दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई सारे ग्रहों को खोज चुके हैं, पर क्या कोई ऐसा ग्रह मिला है जो बिल्कुल धरती जैसा हो? आपको बता दूं कि अभी तक 5000 से ज्यादा ग्रहों को दूर अंतरिक्ष में खोजा गया है, पर उनमें से एक ऐसा ग्रह है जो धरती से काफी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केपलर 452b प्लैनेट की, जिसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। ये ग्रह भी हमारी धरती की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, जो धरती से 60% ज्यादा बड़ा है, और ये ग्रह जिस तारे का परिक्रमा करता है वो भी हमारे सूरज जितना ही बड़ा है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूरज का एक परिक्रमा 365 दिनों में करती है, वही केपलर 452b ग्रह अपने तारे का एक परिक्रमा 384 दिनों में करता है। हमारी धरती सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और केपलर 452b ग्रह अपने तारे से 156 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि ये ग्रह अपने तारे से हैबिटेबल जोन में है, जहाँ धरती की तरह ही लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। पर दिक्कत ये है कि ये ग्रह धरती से करीब 1400 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि आज के टेक्नोलॉजी से भी इस ग्रह पर जाए तो लाखों सालों का समय लग जाएगा।